Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डिटरमिनर्स, ओके फ्रेंड्स? डिटरमिनर्स इट इज़ अ ग्रामर, ग्रामर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज. ग्रामर्स वैसे भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है ग्रामर्स में, बट ये एक्चुअली ऐसे ग्रामर्स हैं जिनका मीन्स जानना या ना जानना स्पीकिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है. दिस इज़ ऑल आर यूज्ड फॉर द एग्ज़ाम. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस में, परीक्षा में, एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, डिटरमिनर्स इज द ग्रामर. व्हाट इज द डिटरमिनर्स? आप यूज़ करते होंगे स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में आप यूज़ करते हैं, बट आपको शायद पता नहीं होगा कि इसी चीज़ को डिटरमिनर्स कहा जाता है. हालांकि स्पीकिंग के लिए इसका जानना ज़रूरी नहीं होता है उतना, बट इसका इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आज जानते हैं विस्तार से. दिस इज द डिटरमिनर्स. पहले मैंने लिखा है डिटरमिनर्स मतलब निर्धारक. पहले मैंने लिखा है ए एंड द, मीन्स ए एंड दी का इस्तेमाल. दिस आर द आर्टिकल्स, ये सब आर्टिकल्स हैं. ए एंड दी ये सब आर्टिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था, अच्छी तरह से समझाया था. इसके दो तीन वीडियो डाले हैं हमने यूज ऑफ ए एंड दी का. तो दीज आर द आर्टिकल्स, बट ये डिटरमिनर्स की तरह कैसे यूज होता है ये हम आपको बता रहे हैं. दीज आर द डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं और आर्टिकल्स की तरह भी यूज होता है. तो अ बॉय, अगर हम लिखते हैं अ बॉय मतलब एक लड़का. एन एप्पल मीन्स एक सेब. द गर्ल मतलब लड़की, किसी खास लड़की की हम बात कर रहे हैं तो द लगेगा. तो अ बॉय दिस इज आर्टिकल, बस. बट इसके बाद हम बॉय, एप्पल एंड गर्ल ये जो भी है ये सारे के सारे नाउन हैं. तो जब भी इसके बाद नाउन आएगा तो ये आर्टिकल डिटरमिनर्स कहलाएगा. ये ए एंड और द ये तीनों के तीनों डिटरमिनर्स कहलाएंगे जब इनके बाद किसी नाउन का उल्लेख किया जाता है. इनके बाद कोई नाउन होता है तो वो डिटरमिनर्स कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स? इसी तरह से ये जो है दिस दैट दिस दोज, दिस दैट एंड दिस और दोज, दिस आर द डेमोन्स्ट्रेटिव्स. ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं जिनका इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं. पहला तो एक डिटरमिनर्स की तरह और दूसरा प्रोनाउंस की तरह, ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम दिस इज अ बॉय अगर हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोनाउंस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि दिस बॉय इज माय फ्रेंड, तो ये जो हो गया दिस बॉय इज माय फ्रेंड. यहां पर दिस के बाद बॉय नाउन आ रहा है, मीन्स बॉय नाउन है. तो दिस के बाद बॉय नाउन है, इसके लिए यहां पर ये डिटरमिनर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एज डिटरमिनर्स, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हो गया डिटरमिनर्स की तरह इस्तेमाल और ये हो गया प्रोनाउंस की तरह. इसी तरह से हम दिस है, दिस माने ये सब. एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दिस बोलते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज भी बोलते हैं. जब दूर की चीज़ हो तो दूर है बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको हम दोज बोलते हैं, और नज़दीक में है बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको हम दिस बोलते हैं. तो दिस और दोज का इस्तेमाल हम डेमोन्स्ट्रेटिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है ये. इसमें हम प्रोनाउंस की तरह भी करते हैं इसका इस्तेमाल और डिटरमिनर्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. कैसे? जैसे दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, तो ये दीज के बाद आर आ रहा है तो इसमें ये प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल हुआ. अगर हम ऐसा बोलते हैं कि दीज बुक्स आर माइन, तो ये डिटरमिनर्स की तरह यूज हुआ, क्योंकि दीज के बाद बुक्स आ रहा है तो बुक नाउन है, इसलिए दीज बुक्स आर माइन ये डिटरमिनर्स की तरह यूज हुआ, ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम बोलेंगे दोज आर माई ट्रीज, ठीक है, तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है? ये प्रोनाउंस की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि दोज के बाद आर आ रहा है, कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए दोज डिटरमिनर्स ना होकर प्रोनाउंस की तरह यूज हुआ है. अगर हम इसको बोलेंगे ऐसे कि दोज ट्रीज आर माइन,
तो यहां पर दोज के बाद क्रीज आ रहा है, मींस दोज के बाद नाउन आ रहा है, तो ये एज अ डिटरमिनर्स यूज हुआ, तो ये डिटरमिनर्स यहां पे कहलाएगा और इस सेंटेंस में दोज प्रोनाउंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से तीसरा लाइन है, ही इज हर आवर माई योर डियर एंड इट्स, ये पजेसिव है, पजेसिव। इसके बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था, इसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ और अच्छी तरह से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो ये पजेसिव है, बट उसमें मैंने पजेसिव के बारे में सिर्फ बताया था, डिटरमिनर्स के बारे में नहीं बताया था। तो ये डिटरमिनर्स कब होंगे, इसी तरह से सेम इसी तरह से जब इसके बाद हम किसी नाउन की चर्चा करते हैं तो ये डिटरमिनर्स हो जाता है, जैसे, और इसके बाद हमेशा नाउन का ही इस्तेमाल होता है, ये डिटरमिनर्स ही होता है, पजेसिव में भी होता है और पजेसिव के साथ साथ ये डिटरमिनर्स भी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि उसका घर बड़ा है, तो उसका घर बड़ा है मीन्स हीज हाउस, तो हीज के बाद हाउस इज द नाउन, हाउस नाउन का इस्तेमाल हो रहा है हीज के बाद, इसलिए ये डिटरमिनर्स है। तो हीज हाउस इज बिग, ठीक है, तुम्हारे पिताजी महान है, योर फादर इज ग्रेट, तो इसमें योर के बाद फादर आ रहा है, फादर इज द नाउन, इसलिए यहाँ पर योर डिटरमिनर्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये जितने भी है इसका इस्तेमाल होगा डिटरमिनर्स की तरह, जो पजेसिव है, और आप समझ ही चुके हैं कि ये एंड दी ये आर्टिकल्स भी हैं और डिटरमिनर्स भी हैं। तो डिटरमिनर्स कब कहलाता है, किस स्थितियों में कहलाता है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।